हम परिक्रमा करते करते हम जिस स्थान पर आए हुए हैं ये वृंदा देवी का स्थान है। आप लोग देख चुके हैं साइड में वृंदा देवी, उसके बाद गोविंद तो देख चुके। एक समय की बात है जब मुगल का पीरियड, उसी समय काला पहाड़ के बारे में आप लोग जानते हैं, उन्होंने एक ब्राह्मण संतान था। ब्राह्मण संतान होते हुए उसी समय का जो एक राजा, वो राजा ने एक बेटी थी, वो राजा वो बेटी ने राजा को काला पहाड़ को पसंद किया शादी करने के लिए। लेकिन काला पहाड़ ब्राह्मण संतान तो मना तो करते थे, लेकिन राज जिसका पास है सारे प्रशासन में तो उस लोग का पास है, इसीलिए वो हार गए। तो उस मुस्लिम को शादी करना पड़ा। तो काला पहाड़ उसी समय जो पुरी का जो मेन जो पांडा, वो सारे लोग को बहुत मनाया, बोले देखो इस कारण में हमारा मन का कोई इच्छा नहीं है, ये जो राज रोष का कारण हमको ऐसे करना पड़ा, हमको स्वीकार कर लीजिए, हम जगन्नाथ को चरण में हमको नमन करते हैं, हम जगन्नाथ का ही भक्त हैं। तो उन्होंने सारे जो पांडा लोग का विचार है, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम होंगे जो विदुर में होगा वो मंदिर का अंदर जा नहीं पाए, पूरी मंदिर का ये विचार। तो बहुत सारे लोग को मनाया, जगन्नाथ को भी बहुत स्तव स्तुति की, लेकिन किसी ने सद्व्यवहार नहीं दिखाया, इसीलिए वो काल काला पहाड़ ने आक्रोश में आ गए, बोले हम सारे ये जो मूर्तियाँ हैं ये तो मिट्टी का है, कोई पत्थर का है, कोई पेड़ का है, इसका क्या शक्ति है, हम सारे एक एक मंदिर को एक धार से तोड़ देंगे। और काला पहाड़ ने सारे जो मंदिर पूरी और सारे भारत में बनारस और वृंदावन जो सबसे बढ़िया बढ़िया जो ठाकुर जी का लीला क्षेत्र है, सारे मंदिर को तोड़वा दिया। वो तोड़वाने के बाद उसी समय हमारे जो गोस्वामीगण का जो विग्रह है, गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, सारे विग्रह जयपुर राजा उसके पास चले। इसी रास्ता एक काम वन होते हुए इधर से गोविंद देव जब आए थे, इधर थोड़ी दिन इधर रहे, वृंदा देवी भी इधर रहे, वृंदा देवी को ले जाने का मन पिता राजा का, लेकिन वृंदा देवी रात को राजा को सामने दिया, बोले देखो हम वृंदावन का अधीश्वरी हूँ, हे वृंदावन मेरा है, तो हम वृंदावन छोड़ के दूसरे किसी जगह पे नहीं जाएंगे। तो वृंदा देवी ने इधर रहेगी और गोविंद देव चले गए जो जयपुर जो शहर है, उधर गोविंद देव का विग्रह है।